हेलो एवरीवन, डीवीएस के इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत कंजक्शन एंड का प्रयोग करके कैसे दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक जो शब्दों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को वाक्यों के जोड़ने के लिए हमारे इंग्लिश ग्रामर में प्रयोग किया जाता है। संयोजक का कार्य क्या है? ये शब्दों को जोड़ता है, अर्थात वर्ड, फ्रेजेस को जोड़ता है, अर्थात वाक्यांशों को जोड़ता है, क्लाजों को जोड़ता है, अर्थात उपवाक्यों को जोड़ता है, सेंटेंसों को जोड़ता है, अर्थात वाक्यों को जोड़ता है। तो आज इस वीडियो सेशन में जो हमें पढ़ना है, जिसपे हमारा फोकस, वो है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। जब आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाया जाएगा तो वहां पर कंजक्शन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आज केवल हमें पढ़ना है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। कंजक्शन दो तरह के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस का निर्माण केवल कंजक्शन एंड का प्रयोग करके ही बनता है। जितने भी कंजक्शन हैं उनमें से केवल एंड या ऐसा कंजक्शन है जिसके प्रयोग से दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो हम थोड़ा सा जान लेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है और इसके प्रकार के बारे में भी जानेंगे। कोऑर्डिनेटिंग में जो पहला प्रकार है कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिंग कंजक्शन जिसका मतलब होता है जोड़ बताने वाले कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन जिसका मतलब होता है जोड़ बताने वाले कंजक्शन। तो जो ये एंड है, जो कंजक्शन एंड हमें पढ़ना है, ये कम्युलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आता है, अर्थात एंड जोड़ बताने वाला कंजक्शन है। अब इसके बाद हमें यह जानना है कि एंड का प्रयोग कब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किया जाएगा और कब कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया जाएगा। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एंड का प्रयोग तब किया जाएगा जब हम नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, फ्रेज को नाउन से जोड़ेंगे और फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब नाउन से नाउन को जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, फ्रेज को नाउन से जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा। और कब कंपाउंड सेंटेंस बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस तब बनेगा जब हम क्लाज को क्लास से जोड़ेंगे और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेंगे, तब हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अर्थात एंड से जब हम नाउन को नाउन से जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस का निर्माण होगा, फ्रेज को नाउन से जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, और यदि हम क्लाज को क्लास से जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है।
थोड़ा सा हम लोग फ्रेज के बारे में सीख लेते हैं। क्लास के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता है, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब ना हो, तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे कानपुर कामा दी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, कानपुर दी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया इज अ बिग सिटी, एक बड़ा शहर है कानपुर, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, एक बड़ा शहर है। इसमें दी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया ये फ्रेज है, इसमें कोई मेन वर्ब है, शब्दों का एक समूह है, दी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसे हम फ्रेज कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें मेन वर्ब ना हो उसे हम फ्रेज कहते हैं। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, कानपुर को ना, अर्थात जो कानपुर है उसी को हम क्या कह रहे हैं, दी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। फ्रेज इन अपोजिशन में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि फ्रेज इन पोजिशन होता क्या है, कानपुर दी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो जो इसमें दी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया है इसी को हम फ्रेज कहेंगे, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। और जिस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब आ जाए उसे हम क्लाज कहते हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, हमें पढ़ना क्या है, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। जैसे दो वाक्य दिए गए हैं, राम बेन टू लखनऊ, दूसरा वाक्य है रमेश वाज आल्सो विथ हिम। ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। हमने सीखा क्या है कि नाउन से जब नाउन को जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे सिंपल बनेगा, फ्रेज को नाउन से जोड़ेंगे तो सिंपल बनेगा। राम बेंट टू लखनऊ, राम लखनऊ गया, रमेश वाज आल्सो विथ हिम, अर्थात रमेश भी उसके साथ था, तो हम कह सकते हैं ना कि राम एंड श्याम बेन टू लखनऊ, अर्थात दोनों लखनऊ गए, तो इसमें नाउन कौन है, राम, इसमें नाउन कौन है, रमेश। जब हम दोनों को जोड़ देंगे कंजक्शन एंड से तो हमारे एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा, अर्थात राम एंड रमेश बेन टू लखनऊ। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। दूसरा वाक्य है व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू नर्वस। तीसरा वाक्य है व्हाई आर यू केयरलेस, माफ कीजिएगा इसमें वाई नहीं लिखा गया, व्हाई आर यू। ये तीन वाक्य दिए गए हैं, तीनों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है, व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू नर्वस, व्हाई आर यू केयरलेस। तो हम कंजक्शन का काम क्या है, वो शब्दों को जोड़ता है, फ्रेजों को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है और क्लास को जोड़ता है। व्हाई आर यू सैड, एडजेक्टिव की भी यदि जोड़ दिया जाए तो एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो सकता है। व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू नर्वस, व्हाई आर यू केयरलेस, ये तीनों शब्द एडजेक्टिव है और किसी एक ही व्यक्ति के लिए ये तीनों शब्द आए हुए हैं इस सेंटेंस में। व्हाई आर यू सैड अर्थात तुम दुखी क्यों हो, तुम उदास क्यों हो, तुम लापरवाह क्यों हो। तो जब इसको हम एक सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा ना, व्हाई आर यू सैड, व्हाई
Why are you sad? Comma, nervous. And careless. इस प्रकार हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। I saw a black cow. दूसरा वाक्य है I saw a white cow also. और आया इस तरह के सेंटेंस में आपको also देखने को मिल जाएगा I saw a black cow. दूसरा वाक I saw a white cow. नाउन को नाउन से जोड़ेंगे सिंपल बनेगा, यही चीज ध्यान देना। फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे सिंपल बनेगा, फ्रेज को नाउन से जोड़ेंगे तो सिंपल बनेगा। इसमें काउ नाउन है लेकिन अब ब्लैक काउ ये फ्रेज है, अ व्हाइट काउ ये फ्रेज है। तो हम फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे तो हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा। कंजक्शन एंड से जोड़ना है, बहुत ही आसान है। तो हो जाएगा आई सा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं आई सा ए ब्लैक काउ एंड आई सा ए व्हाइट काउ। ठीक, आपको ध्यान ये देना है सिंपल सेंटेंस का निर्माण केवल कंजक्शन एंड का प्रयोग करके बनता है। इसे हम कम्युलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात जोड़ बताने वाले कंजक्शन। और किसी भी कंजक्शन का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। एक दूसरा एग्जांपल है आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स। इसका दूसरा सेंटेंस है आई वेंट देयर टू बाई सम फ्रूट्स आल्सो। पहला वाक्य है आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स। मैं बाजार गया किस लिए, टू परचेज सम स्वीट्स, कुछ मिठाइयां खरीदने के लिए मैं बाजार गया। दूसरा सेंटेंस है आई वेंट देयर, मैं वहां गया अर्थात मैं बाजार गया टू बाई सम फ्रूट्स आल्सो, अर्थात कुछ फलों को खरीदने के लिए भी मैं वहां गया। तो हम कह सकते हैं ना कि आई वेंट टू मार्केट। अब देखिए इसमें दो मेन वर्ब है, पहला है परचेज, थोड़ा समझना आपको है, परचेज और बाई दोनों का मतलब एक होता है, दोनों का मतलब होता है खरीदना। अब इन दोनों मेन वर्ब में से किसी भी मेन वर्ब का यूज कर सकते हो आप जब अगला सेंटेंस बनाओगे आप, तो चाहे आप परचेज का यूज करिए या बाई का यूज करिए, नो मैटर। जब इसको हम कंबाइन करेंगे हो जाएगा आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम स्वीट्स एंड सम फ्रूट्स, हो गया हमारा एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया। तो इस तरह कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। बस ध्यान ये देना है कि जोड़ना क्या है, नाउन से नाउन को, फ्रेज से फ्रेज को, फ्रेज से नाउन को, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव से, क्योंकि कंजक्शन शब्दों को भी जोड़ता है, वो वाक्यों को भी जोड़ता है, वो वाक्यांशों को जोड़ता है, वाक्यों को भी जोड़ता है। अब हमें ये ध्यान देना है कि कंजक्शन एंड का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पहला वाक्य है ही टेक He took my pen yesterday. He took my pen yesterday. दूसरा वाक्य है
ही रिटर्न, नीचे लिख देते हैं, वहां से दिखाई नहीं देगा, हो सकता है। ही रिटर्न इट टूडे। ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं कंजेक्शन एंड अर्थात जोड़ बताने वाले कंजेक्शन कम्युलेटिव कंजेक्शन एंड का प्रयोग करके इन दोनों को कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड बनाने के लिए होता क्या है, क्लास को क्लास से जोड़ा जाता है और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ा जाता है। ही टुक माई पेन स्टरडे, उसने कल मेरी कलम ली, और दूसरा वाक्य ही रिटर्न इट टूडे, आज वापस कर दी। तो हम कह सकते हैं ना, उसने कल मेरी कलम ली और आज वापस कर दी, बात खत्म, यही हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। कंपाउंड सेंटेंस के लिए क्लाज को क्लाज से जोड़ा जाता है, अर्थात कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लाज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन में जो पहला कंजेक्शन है कम्युलेटिव अर्थात जोड़ बताने वाले कंजेक्शन, तो एंड का प्रयोग करके इसे हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ये हो जाएगा, ही टुक माई पेन स्टरडे एंड रिटर्न इट, एंड रिटर्न इट टूडे। ही टुक माई पेन स्टरडे, यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है, कंजेक्शन एंड रिटर्न इट टूडे, आज वापस कर दिया, तो ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है। तो दोनों प्रिंसिपल क्लॉज को कंजेक्शन एंड से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया। देखिए ये भी फ्रेज है, फ्रेज होने के लिए एक मेन वर्ब चाहिए, यहाँ भी एक मेन वर्ब है, यहाँ भी एक मेन वर्ब है, अर्थात टुक और रिटर्न दो मेन वर्ब को अर्थात दो क्लॉज को, क्लॉज में एक मेन वर्ब होती है अनिवार्य है, तो दो क्लॉज को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है। लेकिन जब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो नाउन को नाउन से जोड़ते हैं, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं, फ्रेज को नाउन से जोड़ते हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ देते हैं, बस ये इतना ध्यान देना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस का टॉपिक, कंजेक्शन एंड का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को बनाना पसंद आया होगा। यदि आपके काम की बात है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बनता कैसे है, होता कैसे, उसके जितने भी आयाम है हमारे इंग्लिश ग्रामर में सब बताए जाएंगे। ठीक, यदि आपको बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में, आवाज़ में प्रॉब्लम है, कोई कंटेंट अच्छा नहीं था, या कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, आयशा दी ताजमहल, दूसरा सेंटेंस है आयशा दी रेड फोर्ट ऑल्सो। इन दोनों को कंजेक्शन एंड का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको तो पता ही है करना क्या है, इन दोनों को कंबाइन करना है कंजेक्शन एंड का प्रयोग करके। ठीक, ए और ए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए।